दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में। और आज के वीडियो में मैं फिर से वापस आई हूँ कुछ मजेदार टेक अपडेट्स के साथ, जहाँ पर एक तरफ Redmi Note 9 Pro की कुछ स्पेक्स हो गई है रिलीज और दूसरी तरफ ये कंफर्म कर दी गई है कि MWC 2020 इस बार है कैंसल्ड। तो ऐसे ही कुछ टेक अपडेट्स देखेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो इसे आखिर तक जरूर देखते रहे। पर वीडियो पे बनने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको मिल जाएगा रेड सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर क्लिक कर लीजिए और उसी के पास है बेल आइकन, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की इस अपडेट की सीरीज को स्टार्ट करते हैं MWC से, यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ये कंफर्म कर दी गई है कि MWC 2020 इस बार है कैंसल्ड। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी कंपनीज दिन पे दिन विड्रॉ कर रही है MWC में जाने से, जैसे कि Amazon, Nvidia, Ericsson, Intel, Vivo, LG, इतनी सारी कंपनीज ने ऑलरेडी विड्रॉ कर ली है। और यहाँ पे अभी HMD ग्लोबल ने भी कह दिया है कि हम भी नहीं जा रहे MWC में, तो क्योंकि काफी सारी कंपनीज ने बैकआउट की है। जैसे मैंने डिसाइड की थी कि फाइनली फ्राइडे पे डिसीजन आएगी कि MWC एक्चुअल में होगी या नहीं, पर एक इमरजेंसी मीटिंग में ये कंफर्म कर दी गई है कि MWC 2020 इस बार है कैंसल्ड। कुछ ही घंटों पहले GSMA की CEO जॉन हॉफमैन ने ये कंफर्म कर दी है। अब दोस्तों एंड्रॉइड 11 में कुछ नई फीचर्स आई है, जिनमें से एक है शेयर टू प्रिंट फीचर, और इस फीचर से इमेजेस प्रिंटिंग या फिर PDF फाइल प्रिंटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। ये फीचर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट या फिर रिसाइज कर देगी आपकी फाइल्स को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है OnePlus की तरफ से, और OnePlus 8 एंड 8 Pro बहुत ही जल्दी लॉन्च होगी इन इंडिया, क्योंकि दोनों ही फोन अभी आ चुकी है BIS सर्टिफिकेशन में। पर OnePlus 8 Lite बहुत ही जल्दी लॉन्च होने की चांसेस नहीं है, फोन BIS सर्टिफिकेशन में भी नहीं आई है। और उसी के साथ OnePlus 8 अभी आई है Geekbench की लिस्टिंग में भी, और Geekbench की लिस्टिंग के हिसाब से OnePlus 8 में होगी Snapdragon 865, 8GB RAM के साथ आएगी फोन। अब दोस्तों Oppo की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपडेट्स है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Oppo A31 से, और इस फोन के बारे में बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुकी है। 91 मोबाइल्स ने इस इमेज को सरफेस किया है, जहां पर आप देख सकते हो कि सारी स्पेक्स रिवील हो चुकी है। 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले आपको मिल रहा है इस फोन में। MediaTek Helio P35 चिपसेट होगी। 4GB, 64GB एंड 6GB, 128GB की वेरिएंट्स के साथ आएगी ये फोन। बैटरी की अगर बात की जाए तो फोन में 4230 mAh ऑफ बैटरी, और फोन आएगी विद एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे क्या ख्याल है आपकी इस फोन के बारे में, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, पर ओप्पो की ओप्पो फाइंड एक्स एंड ओप्पो फाइंड एक्स प्रो, ये दोनों ही फोन्स अभी आ चुकी है वाईफाई सर्टिफिकेशन में। यहाँ पर इमेजेस भी आप देख सकते हो, तो इन दोनों ही फोन्स की लॉन्च काफी क्लोज है इंडिया में। अब ओप्पो की तरफ से एक और भी अपडेट है, और ओप्पो रेनो 3 प्रो ये फोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होगी इन इंडिया। और उसी के साथ यहाँ पर एक एडिशनल चीज लॉन्च होगी, जो है एनको फ्री वायरलेस ईयरबड्स। मुकुल शर्मा ने इसे सरफेस की है, और इसमें आपको मिलेगा इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स, और इन वॉइस में एडिशनली होगी AI वॉइस नॉइस कैंसलेशन। और ओप्पो रेनो 3 प्रो एंड ईयरबड्स दोनों ही सेल होगी वाया फ्लिपकार्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है रियलमी की तरफ से, और स्लैश लीक पे एक इमेज सरफेस हुई है, यानी कि एक फोटो ली गई है रियलमी की कोई 108MP कैमरा फोन से। और ये जो फोटो है इसमें आप देख सकते हो कि पेंटा कैमराज है, शायद से ये फोटो ली गई है फ्रॉम रियलमी X50 प्रो। और यहाँ पे कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफी आप देख सकते हो, तो जिस भी रियलमी की फोन से ये फोटो ली गई है वहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी की कुछ फीचर्स आपको मिलेगा कैमरा में। उसी के साथ फोन में होगी पेंटा कैमरा, 108 मेगापिक्सल के साथ आएगी फोन। तो देखते हैं कि कौन सी अपकमिंग रियलमी की फोन है ये। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब दोस्तों रियलमी 6 एंड 6 प्रो के बारे में दिन ब दिन नई लीक्स आती जाती है, और यहाँ पे फिर से लीक्स आई है रियलमी 6 प्रो के साथ। अगर स्टार्ट की जाए तो रियलमी 6 प्रो अभी आ चुकी है वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पे, और उसी के साथ दोस्तों रियलमी 6 आ सकती है MediaTek की चिपसेट के साथ, MediaTek की Helio G90T चिपसेट या फिर G90 यहाँ पे हो सकती है। ये भी आई है वाईफाई अलायंस की सर्टिफिकेशन में। Android 10 होगी इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स, और फोन आएगी डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट के साथ। अब मिस्टर फ्रांसिस वांग ने ट्विटर पे एक पोस्टर डाली है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मिस्टर माधव सिंह के साथ उनकी एक फोटो है, जहाँ पर लिखा है विल ओपन दिस कंटेनर फॉर इंडिया कस्टमर्स इन मार्च। तो मार्च के महीने में यहाँ पर हाई चांसेस है रियलमी 6 सीरीज आ जाए, क्योंकि अगर फ्रांसिस वांग की इस पोस्ट पे कमेंट आप देखते हो, उन्होंने लिखा है कि ये रियलमी X50 प्रो नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हो सकती है रियलमी 6 सीरीज या फिर रियलमी TV। ऊपर है पोल, वहाँ पे वोट देके हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है वीवो iQOO की तरफ से, और iQOO 3
जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी को लॉन्च होगी इन इंडिया। फर्स्ट न्यूज थी कि फोन लॉन्च होगी पहले इन चाइना, उसके बाद इन इंडिया, पर मुकुल शर्मा ने यहाँ पे एक और लीक को सरफेस की है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही दिन में बोथ इन इंडिया एंड चाइना iQOO 3 लॉन्च होगा। फोन में होगी स्नैपड्रैगन 865, 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा फोन। और क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 सपोर्टेड है विद UFS 3.1, तो UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगी iQOO 3। और यहाँ पर iQOO की ऑफिशियल टीजर आ चुकी है यूट्यूब पे भी। अब दोस्तों लास्ट ही बात करते हैं रेडमी की, और यहाँ पे रेडमी की तरफ से है दो अपडेट्स, एक है बैड न्यूज और दूसरा है गुड न्यूज। अगर बात की जाए बैड न्यूज की तो रेडमी नोट 8, जी हाँ दोस्तों, इस फोन की प्राइस हाइक हुई है, 500 रुपीज इंक्रीज हो गई है इस फोन की बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट्स में। पहले इसकी जो लॉन्च प्राइस थी वो थी 9,999, यानी कि 10,000 में मिलती थी हमें रेडमी नोट 8, पर अभी 500 रुपीज इंक्रीज होके इसकी प्राइस हो गई है 10,499 ऑनलाइन पे, और ऑफलाइन की प्राइसिंग पहले थी 10,499 जो कि 500 रुपीज इंक्रीज होके यहाँ पे हुई है 10,999। तो 500 रुपीज इस फोन की प्राइस पे इंक्रीज की गई है, और इसकी रीजन है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की वजह से सप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है अभी, जिसके लिए ही यहाँ पे प्राइस हाइक हुई है। और जो गुड न्यूज है वो है अबाउट रेडमी नोट 9 प्रो, उस फोन के बारे में कुछ स्पेक्स आई है, और रेडमी यहाँ पे काम कर रही है 3 फोन्स पे, जी हाँ दोस्तों 3 फोन्स पे, जिसमें हो सकती है डायमेंसिटी 800 एंड 1000। तो यहाँ पे काफी सारी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से लीक्स है कि जो रेडमी नोट 9 की सीरीज होगी उसमें होगी मीडियाटेक की चिपसेट। और ये जो लीक आई है कि रेडमी काम कर रही है 3 स्मार्टफोन्स पे, इसका मतलब है कि इस बार रेडमी की नोट 9 सीरीज में शायद हमें मिल जाए 3 स्मार्टफोन्स एक ही साथ। और सिर्फ यही नहीं, पर उसी के साथ एक इमेज यहाँ पे सरफेस हुई है, जो अकॉर्डिंग टू लीक्स है रेडमी नोट 9 प्रो की एक कॉन्सेप्ट इमेज। एग्जैक्टली इसी तरह की डिजाइन होगी या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से खबर है इस तरह की कोई कैमरा मॉड्यूल हमें मिलेगी अपकमिंग रेडमी नोट 9 सीरीज में। वैसे आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों ये थी कुछ बजार टेक अपडेट्स, इसी के साथ आते हैं वीडियो के आखिर में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।